हेलो गाइस, ये है टेंस की पार्ट थ्री वीडियो। पार्ट वन में हम लोगों ने हिंदी वाले टेंसों को पहचाना सीखा था एंड पार्ट टू में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स को याद किया था। आपको याद हो गए होंगे, नहीं तो जाके पहले पार्ट वन और पार्ट टू को देख के आइए तब आके, क्योंकि आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, टेंस में हम लोगों के सामने सेंटेंस को चार तरीके से रखा जाता है। या तो बात को सीधा कह दिया जाता है, या तो ना करके बोला जाता है, या तो आगे क्या लगा के यूज करते हैं हम लोग, या तो बीच में क्यों कब कैसे जैसे शब्दों का यूज करते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस आपके चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव वन और इंटरोगेटिव टू। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है रमेश कुछ कह रहा है, दूसरा है रमेश कुछ नहीं कह रहा है, तीसरा क्या रमेश कुछ कह रहा है, चौथा रमेश कुछ क्यों कह रहा है। पहले वाले सेंटेंस में बात को बिल्कुल सीधा कह दिया गया है, इसीलिए इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलेंगे। दूसरे वाले में हमारे को बात को बिल्कुल ना करके यूज करी गई है तो नेगेटिव कहेंगे। तीसरे वाले में इंटरोगेटिव है, पीछे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको। हाँ, जिन सेंटेंसों के पीछे क्वेश्चन मार्क है वो आपके इंटरोगेटिव होंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि वो इंटरोगेटिव वन है कि इंटरोगेटिव टू। अगर वो इंटरोगेटिव वन है तो आगे उसमें क्या शब्द जरूर दिखाई दे रहा होगा, और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड क्यों कब कैसे कहाँ जैसे शब्द होते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेकंड होते हैं। अभी हम लोगों ने पहचानना तो सीख लिया, चलो लेट्स सी सम स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस सेंटेंस। चारों सेंटेंसों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख सकते हो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और दूसरे में लिखा हुआ है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और तीसरे वाले में हेल्पिंग वर्ब को ही पहले रख दिया है। आप सोच रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब को क्यों रख दिया है। इस टेंस में मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में आगे क्या का यूज होता है, यहाँ पे क्या की इंग्लिश तो लिखते नहीं है कुछ भी, तो हम इसलिए क्या को सेटिस्फाई करने के लिए बेसिकली वो जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसको ही आगे रख देते हैं। बचे क्या, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो लग जाते हैं, और पीछे की तरफ लग जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ब, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। लास्ट बचा आपका इंटरोगेटिव सेकेंड। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है, अब वो अकेला आता नहीं, उसके साथ लगानी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास बचे सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब क्योंकि इंटरोगेटिव है तो लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप लोग जो सेंटेंसेस होंगे उनको ईजिली तरीके से बना सकें। इस सेंटेंसों में बाकी सब चीजों का तो ठीक है, सब्जेक्ट हम पहचान लेते हैं आगे वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब हमको याद है, अब रही बात मेन वर्ब की, क्या ये सभी सेंटेंसों में एक ही तरीके से लिखी जाती है? जी नहीं। अब मेन वर्ब के बारे में देखते हैं कि मेन वर्ब जिन सेंटेंसों में हमको रहा शब्द दिखता है। अब हमने पढ़ा था रहा दो सेंटेंसों में दिख रहा था, एक तो सबके कंटिन्यूअस में और एक सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस में, समय के साथ आता था, तो दोनों में रहा जब हमको किसी भी सेंटेंस में दिखे तो हमको जस्ट मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगानी होती है, दैट्स इट। और जब हमको सेंटेंस में कहीं चुका शब्द दिख रहा हो तो बस हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। बाकी इस सब में हमारे तीन टेंसेस कवर हो जाते हैं, आपके कंटिन्यूअस भी, परफेक्ट भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, अब इंडेफिनिट रह जाता है। उनमें जनरली वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे इंडेफिनिट को, तो हम उस पर देखेंगे कि किस तरीके से यूज करते हैं। तो फिलहाल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या रहा होता है वही यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पर हमको चुका शब्द दिखता है। तो चलो जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है रमेश कुछ कह रहा है। रमेश यहाँ सब्जेक्ट है, आपका कह रहा है पीछे की तरफ, कहना इस मेन वर्ब, और रहा है हमने पहचानना सीखा था टेंस को, यस दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस, एम और आर। तो क्योंकि रमेश सिंगुलर है तो हम लोग इसके लिए इसका यूज करेंगे। हमको स्ट्रक्चर याद ही है इसका, अभी हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रमेश है, हेल्पिंग वर्ब हमने अभी याद करी थी इज लगेगा, और मेन वर्ब एस ए वाई से कहने को बोलते हैं, और हम लोग रहा के लिए मैंने अभी बोला था मेन वर्ब में जस्ट आई एन जी लगाओ, तो हमने सेइंग कर दिया, और कुछ को हम लोग समथिंग बोलते हैं, तो सेंटेंस हुआ रमेश इज सेइंग समथिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है रमेश कुछ नहीं कह रहा है। आप लोग पहचान गए होंगे इसमें नहीं शब्द है, तो ये सेंटेंस कौन सा वाला है, यस नेगेटिव वाला, और इसमें लास्ट में रहा है शब्द दिख रहा है, तो है मतलब प्रेजेंट और रहा मतलब कंटिन्यूअस,
तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इजमार होगी। सब्जेक्ट को देखो, रमेश सिंगुलर है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हमको याद ही था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? रमेश। फिर हेल्पिंग वर्ब हमको इज लगानी है और मेन वर्ब कह रहा, कहने को से बोलते हैं और रहा भी क्या फिर से? यस, आईएनजी, सेइंग। और कुछ को हम लोग बोलते हैं समथिंग। और नेगेटिव के लिए हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगानी है, तो हम बोलेंगे रमेश इज नॉट सेइंग समथिंग। एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। क्या रमेश कुछ कह रहा है? अब इसमें सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड इजीली है क्योंकि इसमें क्या आगे लग रहा है और पीछे लग रहा है क्वेश्चन मार्क। टेंस आपने पहचान ही लिया होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि आगे क्या इंटरोगेटिव वर्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि क्या को सेटिस्फाई करने के लिए हमको आगे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, तो हम लोग इज एम आर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर है हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा बनाने का तरीका होगा इज रमेश सेइंग समथिंग। एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें दे रखा है रमेश कुछ क्यों कह रहा है। क्योंकि सेंटेंस में बीच में क्यों का प्रयोग हुआ तो दैट मींस ये वाला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेकंड वाली कैटेगरी का है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, हम लोग पहचाना सीख ही चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसको बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इजमार। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग होगी तो वो हम लोग वाई लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इजमार में से इज, फिर रमेश से मतलब कहने को बोलते हैं और रहा शब्द के लिए हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा और कुछ को हम लोग समथिंग बोलते हैं। तो सेंटेंस हुआ Why is Ramesh saying something? क्वेश्चन मार्क। वैसे आज हमने चारों सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कर दिए हैं, पर आई थिंक अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस के भी होते या फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी होते तो हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो बेसिकली कंटिन्यूअस टेंसेस को बनाना इतना हार्ड नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो फ्यूचर के, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करते रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको याद है हम लोग इजमार का यूज करते हैं, पास्ट में वॉज वर्ब का, फ्यूचर में से बी विल बी का, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। इस स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर एक्चुअली जो मैंने आपको बताया ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर कंटिन्यूअस एंड डेफिनेट, ये सभी सेंटेंसों के लिए एप्लीकेबल है। बस आपको जगह जगह हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, मेन वर्ब का खास ख्याल रखना है कि कब आईएनजी लगेगी और कब थर्ड फॉर्म, बाकी इतना हार्ड नहीं है, आप लोग बना सकते।